Hello students, I welcome you all. So today we are going to start our fifth chapter from civics named Women Change the World. So students, before starting this chapter, we will recall the previous chapter. So we saw how women's work in the home is not recognized as work. In previous chapter we saw that the women that who were working in the home, it was not recognized as the work. We also read how doing household work and taking care of family members is full-time job, and there is no specific hours at which it began or it ends. Means there was not specific time in which the household work start and it ends. So in this chapter we will look at work outside the home and understand how some occupations seems to be more suitable for men than the women. Now इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस है जो ये सोचते हैं कि ये औरत के लिए सही है, मेल के लिए सही है, और ये फीमेल के लिए सही है, ये वुमेन के लिए या ये मैन के लिए. We will also learn about how women struggle for equality. Getting an education was still and still is one way in which new opportunities were created for women. This chapter we will also briefly discuss about the different types of efforts that were done by the women and different movements also to challenge discrimination in more recent years. So before starting this chapter, let's discuss a table, and it was given in your book. It was a table given in your book, and it is the table of 30 students. Maximum number of students is 30. The data that is collected by the teacher are 30 among the 30 students. और इसमें क्या कहा गया है? Teacher है एक, उसने 30 students को उसकी class में उसने ये बच्चों को एक्टिविटी कराई जिसमें क्या था, कुछ उसने कैटेगरीज लिख दी थी जैसे टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट एंड पायलट, और सारे बच्चों से एक्टिविटी करने को बोला गया था कि आप इसको फील कीजिए कि आप क्या देखते हैं. फीमेल इमेज में टीचर में आप किसको देखते हैं और मेल इमेज में टीचर में किसको देखते हैं. तो जब वो एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हुई तो कंबाइंड कंप्लीट एक्टिविटी का एक रिजल्ट आया. वो क्या आया कि आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स हैड गुड टीचर एज अ मेल इमेज. कि केवल 5 बच्चे थे जिन्होंने क्या कहा कि टीचर में मेल इमेज को देखते हैं, रेस्ट 25 ने बोला क्या फीमेल इमेज. सेम उसी तरह से फार्मर ने पूरे के पूरे 30 स्टूडेंट्स ने क्या बोला, फार्मर ने मेल इमेज में वो देखते हैं उसको. ये काम किसका है, ये ऑक्यूपेशन किसका है, मेल का. फैक्ट्री वर्कर्स ने 25 ने मेल इमेज में पुट किया और केवल 5 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने फीमेल इमेज में किया. अब हो गया नर्स, नर्स में 0 मेल और 32 फीमेल. साइंटिस्ट 25 एंड 5, पायलट में 27 एंड 3. जब हम इसको देखेंगे इससे हमें क्या क्लियर होता है कि ये ऐसा जो टेबल ये सामने आया कि जो लॉट ऑफ चिल्ड्रन है, रोजी मैडम नाम दिया है इस चैप्टर में आपने, कि रोजी मैडम की क्लास में उन्होंने ज्यादातर मोस्टली बच्चों ने नर्स में किसको कहा है कि जो नर्स है वो कैसी होनी चाहिए, पूरी की पूरी फीमेल. उसका रीजन क्या होगा, जब किसी ने नर्स में 30 स्टूडेंट्स ने सभी ने नर्स में फीमेल इमेज को टिक किया, उसका रीजन क्या होगा कि क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड ओनली फॉर सर्टेन जॉब्स. उनका मतलब क्या था, क्योंकि घर के बाहर भी जब औरतें निकलती हैं, जैसे घर के अंदर तो हमने देख लिया था जब लास्ट चैप्टर प्रीवियस चैप्टर पढ़ा, उसमें क्या बताया गया था आपने देखा कि कुछ घर के काम है उनको लेडीज को करने चाहिए, जेंट्स नहीं करेंगे या बॉयज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं. तो यहाँ पे भी क्यों बोला, क्योंकि जो नर्स है उसमें सारे के सारे बच्चों ने फीमेल इमेज को देखा. उसका रीजन ये रहा होगा क्योंकि दिस इज लिंक्ड बिकॉज द वुमेन रोल विद इन द, क्योंकि क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि जो लेडीज हैं ऐसा उन्होंने
of dealing with technical things. और ये कहा गया कि जो साइंस जैसा सब्जेक्ट है आपके चैप्टर में है, कि साइंस जैसे चैप्टर में एक टेक्निकल माइंड की जरूरत होती है, इसीलिए गर्ल्स और जो वुमेन है वो इस चीज से टेक्निकल थिंग्स से डील नहीं कर सकती, इसीलिए सब्जेक्ट इनके लिए है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी विल फर्स्ट टेक द फर्स्ट हेडिंग, दैट इज द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन. इनमें पीपल थिंक्स दैट मैन एंड वुमेन आर मेंट टू डू स्पेसिफिक वर्क. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में लोगों का क्या मानना है कि जो औरतें या आर्मी है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्क्स है, कि जरूरी नहीं हर कोई काम करे, कि औरतें को ये अलग काम है और मेल या जेंट्स उनके लिए अलग काम है. ऐसा क्यों है? द रीजन दे डिड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स. और वो ऐसा क्यों मानते हैं कि मैन और वुमेन के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्क्स है? उनका मानना इसलिए है कि जब औरतें घर के बाहर निकलती हैं या औरतों के लिए कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो उनके लिए कहेंगे बहुत अच्छे हैं, सर्टेन जॉब्स के लिए वो फिट बैठती हैं. मैनी पीपल बिलीव्स इन दीज स्टीरियोटाइप्स. और ये केवल स्टीरियोटाइप है, ये कोई जरूरी नहीं कैसा हो, लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि आदमी और औरत के काम अलग अलग है. मैनी पीपल बिलीव्स इन दीज स्टीरियोटाइप. मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम that boys go to study and train to become a doctors and engineers. जब घर में कोई भी लड़की होती है तो उसका क्या होता है कि जब उसकी एजुकेशन पूरी हो गई तो फैमिली मेंबर्स का एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि इसकी शादी कर दें. लेकिन बॉयज के साथ ऐसा नहीं होता. बॉयज को क्या कहा जाएगा कि उनको कि नहीं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से उनको सपोर्ट किया जाएगा. गर्ल्स को कई बार ऐसा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बॉयज से कहा जाता है कि आपको क्या करना है, इस तरह के सब्जेक्ट लेने, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि फ्यूचर में वो या तो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने. ये एक स्टीरियोटाइप. अब एक वर्ड यहाँ पे आया कि स्टीरियोटाइप, कि ये जो वर्ड है स्टीरियोटाइप, इसका मतलब क्या होगा? स्टीरियोटाइप का मतलब है हम बिना किसी के बारे में जाने अपनी धारणा बनाना. हमें नहीं पता एक स्टीरियोटाइप ये भी है. क्या कहना है स्टीरियोटाइप की? लड़कियां जो है फिजिकली या मेंटली दोनों तरह से बोला हो या इमोशनली वीक होती है. लड़का बॉयज नेवर क्राइज.